जम्मू कश्मीर से अभी कोई रेडियोथेरेपी का डॉक्टर निकलेगा ही नहीं, ऐसी रेडियोलॉजी बाकी डिपार्टमेंट में, तो सारा जो टोटल 543 सीट्स में उसमें से आप 335 सीट्स आप एआईक्यू में पूल कर रहे हो। हमारी डिमांड ये है कि जब तक आप सीट्स इंक्रीज ना कर रहे हो तब तक ये एआईक्यू में पूल ना किया जाए। ये हमारा प्रदर्शन है ऑल इंडिया कोटा के लिए, क्योंकि जो हमारी सीट्स हैं बीजेपी बोल रही है कि हमारी वो सीट्स को पोलिंग में डाल देंगे, बट हम चाहते हैं कि हमारी सीट्स को पोलिंग में ना डाला जाए, हमारा जो स्पेशल स्टेटस है उसे रिजर्व रखा जाए और हमें हमारी जो सीट्स है वो हमारे पास ही रखी जाए। जारी है जो हमारा न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि जो हमारी सीट्स है 50% सीट्स जेएनके की वो ऑल इंडिया कोटा में पूल की जाएंगी, उसकी रिजेंटमेंट दिखा रहे हैं हम ये, क्योंकि इससे जो हमारी स्टेट को काफी लॉस होगा और जस्ट हमारे पास 80 क्लिनिकल सीट्स ही बचेंगी, जो कि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स के फ्यूचर्स के लिए काफी गलत है, क्योंकि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट की सीट्स तो 1000 सीट्स कर दी गवर्नमेंट ने, लेकिन जो पीजी की सीट्स हैं वो अभी तक ज्यादा नहीं की गई हैं, और जब ये ऑल इंडिया कोटा इंप्लीमेंट हो जाएगा तो हमारे जो स्किम्स और कॉलेज ये पूरा का पूरा चला जाएगा और जम्मू और श्रीनगर की सिर्फ आधी सीट्स बचेंगी, तो हमारे पास जस्ट सिर्फ ओपन मैट में 80 क्लिनिकल सीट्स ही बचेंगी इसके इंप्लीमेंट होने के बाद। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि डिसीजन को रिकंसिडर किया जाए और ये डिसीजन को वापस लिया जाए, जब तक हमारी जो पीजी की सीट्स हैं जेएनके में ये ज्यादा नहीं की जाती तब तक इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट ना किया जाए। और आज की जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके थ्रू, हम ये डॉक्टर जिंदर सिंह से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारा जो ये मसला है इसको देखा जाए, क्योंकि वो हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट के डॉक्टर भी रह चुके हैं और फैकल्टी भी रह चुके हैं, और ये हमारे जम्मू के लोगों का मसला है, तो हम ये कहना चाहते हैं उनको कि इस चीज़ को देखा जाए और हमारी बात को सेंटर तक पहुँचाया जाए, ताकि जो ये डिसीजन है इसको रिकंसिडर करके वापस लिया जाए। बातचीत करेंगे इनसे, क्या कहना चाहेंगे आप जो है? ये सारा प्रोटेस्ट ऑल इंडिया कोटा को पूलिंग को लेके हो रहा है, हमारी स्टेट्स में आगे सीट्स बहुत कम है और 50% पूलिंग होने के बाद हमारी सीट्स में मिनिमम 250 अराउंड समथिंग सीट्स है, जिसमें से 80 ओपन मेरिट आएंगी, तो आगे हमारे कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, जिससे इतने बच्चे बैठेंगे इससे 80 सीट्स नॉट सर गुड फॉर अवर फ्यूचर। तो हमारी ये डिमांड है जब तक सीट इंक्रीज ना हो तब तक
तब तक ऑल इंडिया पोलिंग नहीं होनी चाहिए, जहाँ तो पोलिंग हो रही है तो सीट इंक्रीज हो हर कॉलेज में। जिसकी आपने बातचीत करने की कोशिश की किसी से? हाँ, हमने अपने सीनियर से उनको बोला कि हमने मीडिया के थ्रू भी अपनी ऑल इंडिया कोटा को लेके मांग रखी हुई है। ये हमारा प्रोटेस्ट स्टार्टिंग से चल रहा है, बहुत दिन हो गए इसको करते हैं। थैंक यू।